अगला गीत 60 सेकंड्स का आरंभ संगीत है और उसमें 20 सेकंड्स के गिटार का सम्मोहन, और रफ़ी साहब की आवाज़ में इतना ऑसम टेक ऑफ है कि ऐसा टेक ऑफ हर गीत में हमें अनुभव करने नहीं मिलता। खैर, गीत तो आप अभी अभी पहचान ही जाओगे। बेस गिटार और एकॉस्टिक गिटार के रिदम के सिंक्रोनाइजेशन से आगे बढ़ने वाला ये गीत, जिसके लिए हम हमेशा रणे रहेंगे गोरख शर्मा जी के। और इसमें फिलर का काम इलेक्ट्रिक गिटार ने किया है। ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स का जादू तो कैसा चलेगा, इसकी थोड़ी सी झलक तो अब मिल ही रही है आपको। खैर, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर इंटरल्यूड का म्यूज़िक तो अलग है, लेकिन तीसरा जो इंटरल्यूड है ना, उसमें सिम्फनी स्टाइल वायलिन बजी है। तो आइए 1968 नाइट इन लंदन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी और रफ़ी, यानी कि हमारा बर्म्यूडा ट्रायंगल। और आपके सामने इस गीत को पेश करने के लिए तालियों की गूंज के साथ सर्वेश जी। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ माय लव। कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जा ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ माय लव। हसीन दिल रुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, ऐ मेरे हसीन दिल रुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब आ करीब आ तू खो न जा माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में,
छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में तू खो ना जा ओ माय लव।